अच्छा, एक्चुअल नेम्स क्या हैं आप दोनों के? हाँ, वैसे तो वीडियोस में बताए होते हैं। हम एक्चुअल नेम ही यूज़ कर रहे होते हैं ये तो। वैसे चैनल का नाम हमारे द इंजीनियर कपल है, वैसे मेरा नाम अरूज है और इनका नाम रहमान है, मोहम्मद रहमान अली। वैसे इस पे मुझे काफी ऑब्जेक्शंस आते हैं, बचपन से ही आते रहे हैं कि आपका नाम जो है रहमान नहीं अब्दुल रहमान होना चाहिए। तो इस पे मैंने काफी रिसर्च भी की हुई है इसके बारे में, मेरे पास जो है वो जवाब भी है, पर वो कह लो कि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम आपको फिर किसी टाइम बताएंगे। पर मैं फिर कह लो कि शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि ये नाम जो है वो रखा जा सकता है। वेरी स्वीट कपल, थैंक यू। आपने टिकटॉक पर आने का डिसीजन क्यों किया, क्यों लिया, किसका प्लान था टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का आप दोनों में से? वैसे सही बताऊं तो टिकटॉक का हमारा डिसीजन नहीं था। हम अच्छा, यूट्यूब पे आने का जो डिसीजन था ना वो मेरा था, क्योंकि मैंने सबसे शादी से पहले मैंने बनाया हुआ था, इनका नहीं था। वो वैसे ही मतलब ना शौक के तौर पे, हाँ मैं कह लो और कि तब मैं हम सामने नहीं आती थी, तब मैं बस वैसे ही वीडियोस बनाती थी, क्योंकि हम मेरे पास अकेले, सही बात है, जो कंटेंट भी नहीं होता था। फिर जब मेरी शादी हो गई तो फिर थैंक्स। हाँ, तो फिर अब मुझे एक बंदा मिल गया ना जिसके साथ मैं फनी करो, कंटेंट कर शुक्रिया। सकूँ, क्या थैंक यू सो मच अच्छा आपका। अच्छा पता क्या हुआ है कि YouTube का था शौक भी, कह लो कि एक एक्टिंग का मैंने पहले बताया कि कीड़ा था, तो हमने कहा चलो इस तरह एक बंदा इंजॉय भी करता है, कुछ ना कुछ करने को भी होता है, तो एक हटके लाइफ में कुछ बंदा करता रहता है। तो फिर ये था कि पता नहीं होता बंदे को आजकल का दौर इस तरह का कि हर प्लेटफॉर्म पे आपको अपने प्रेजेंस जो है शो करनी चाहिए पड़ती है, तो इसीलिए हम जो है साथ साथ वो टिकटॉक पे वीडियोस डालते थे, तो इसी तरह हमारा चल और पड़ा। टिकटॉक पे पहले जो हम वीडियो डालते थे ना वो इतनी मतलब ना चलती नहीं थी, मतलब कुछ बहुत कम व्यूज आते थे। फिर ये जब हमने जिले जिले वाली डाली शुरू की ना, तो वो पहले तो हमारा दिल ही मर गया ना, हमने कहा अब नहीं हमने डालना टिकटॉक पे, ऐसा कंटेंट चलता ही नहीं है, तो मैंने नहीं डालना। तो फिर एक दिन ऐसी मैंने ये जिले जिले वाली डाली, और वो रातों रात है, मतलब उसके माशाल्लाह से काफी अच्छे व्यूज आए थे हमारे, और सब्सक्राइब और फॉलोअर्स भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र करे ना उतना कम, वैसे ही वरना बात कह लो कि है। हमारा कंटेंट इस तरह का है कि आप लोगों को पता है कि ये चलता नहीं है, खासतौर पे टिकटॉक पे तो इस तरह कंटेंट बहुत कम जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, पर हमें इतनी अप्रिसिएशन मिली, इतना सारा प्यार मिला कि यकीन बंदे को नहीं आता है। पर बहुत ये आप लोगों का भी शुक्रिया, अल्लाह ताला का भी शुक्रिया जिन्होंने इज्जत में बख्शी। मेरा एक यूनिक क्वेश्चन है कि यूट्यूब पे वैसे वीडियो अपलोड करने का आइडिया हस्बैंड का था या वाइफ का? ये हो हम सकता बता है चुके इन्होंने हैं। पहले कर दिया हो क्वेश्चन, तो इनका यूनिक हाँ, हो हो सकता है। आप दोनों के 10 में कितने मार्क्स थे? यार ये आप लोग गया, सारे, मेरे ख्याल से हमारी ज्यादातर जो ऑडियंस है ना वो मैट्रिक की भी है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि ये भी हो आप लोगों सकता की है। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे। पता मैट्रिक को शायद एग्जाम्स वगैरह तो नहीं चल रहे। थैंक नहीं। वी लव यू क्यूटीज, आई एम सुमर, ओके, वी यू सो मच। लव यू टू। अच्छा, हाउ डिड यू बोथ मेट ईच अदर यूनिवर्सिटी में? ये हम जो कंप्लीट स्टोरी होगी ना, ये हम अलग-अलग बताएंगे जब हमारे हो जाएंगे। टिकटॉक पे हो जाए हमारे कोई 100K तो हो ही जाए ना एटलीस्ट, और यूट्यूब पे हमारे 5K एटलीस्ट होने चाहिए, तब हम ये अपनी स्टोरी रिवील इतना वैसे करेंगे। बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि 2K तो हमारे हाँ, यूट्यूब पे हो चुके हैं वही ऑलरेडी। ना, और आप लोगों का इतना प्यार जो है वो हमें इंशाल्लाह बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद ऐसे स्टोरी भी नहीं ना सारी बता सकते होते, घर से अभी भी हमें चित्र पड़ जाते हैं। है। अच्छा, यू आर सो स्वीट कपल, आई रियली लाइक योर वीडियो। एक वीडियो मेरी बेटी के लिए बनाए, दुआए दुआए दुआ सारा नहीं जहरा है नेम है प्लीज। प्लीज, दुआ जहरा जहरा, दुआए जहरा। जहरा, अल्लाह पाक आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, उसे ज़्यादा सारी कामयाबियां दे और उसे आपका फखर बनाए, और थैंक यू सो मच वी खिदमत लव करने यू। के लिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाइस कपल सर, थैंक यू। समी मलिक। आप किस सिटी से हैं बाय द वे? बिग फैन। हम इस्लामाबाद से हैं, लेकिन हमारे अलग अलग अगर हम सिटी बताएं तो ये लाहौर से हैं और मैं फैसलाबाद से थी, और फिर उसके बाद हम दोनों इस्लामाबाद आ गए। ये वैसे हमने ब्लॉग में बता दिया था, ब्लॉग नहीं ना हाँ देखते आप? यार हाँ अगर ब्लॉग देख लेते तो ये क्वेश्चन ना करते हमसे। हाँ, देख लिया करो, बड़ी मेहनत से बनता है, वैसे इतनी मेहनत भी नहीं करते। नहीं, आज हमने वैसे थोड़ी सी मेहनत की, मेरे ख्याल हाँ आप इतनी लोग दूर में बताना आए हैं, आज हाँ हमारा इंप्रूव हुआ है ब्लॉग के लिए। शुरू हो गई है, 1 मिनट वेट कर लेते क्या आप दोनों जॉब करते हो? जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कर बहुत रहे हैं। ही अल्लाह का शुक्र है, सही बात है। आपने टिकटॉक बनाना क्यों स्टार्ट किया?
बता ही रही है, हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने कौन सी यूनि से पढ़ा है? यूटी टेक्सला से। जियो अल्लाह जियो भुट्टो, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है आप लोगों को, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन थैंक यू सो मच, आमीन, अल्लाह थैंक आपको भी यू कामयाब दे। आमीन, अल्लाह आप लोगों को मजीद कामयाबी दे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई फहाशी नहीं है, पर्दे में रहकर हर चीज़ है। यार यही पहले मुझे था कि मतलब मैं पहले ये कहती थी कि जब टिकटॉक पे अगर मैंने सामने आना भी है तो मैं वेल पहले भी करती थी, तो मुझे ये था कि मैंने वेल नहीं जो है ना उतारना। फिर ये भी था कि जब अगर वेल होगा मेरा तो मेरे एक्सप्रेशंस कैसे, मतलब लोगों, क्योंकि हमारा फनी कंटेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन मायने रखता है, तो मुझे ये भी था कि एक्सप्रेशन कैसे लोगों को समझ कैसे लगेगी कि मैं कैसे क्या फील कर रही हूँ ये। तो फिर मैंने कहा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप लोगों के घर में कोई भी होगा जो आपकी मम्मा होंगी या आपकी बहन होंगी सिस्टर होंगी तो वो वेल तो करती होंगी और आप उनकी भी बातों को समझते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना फिर, मतलब मैं भी इसी कंट्री में हूँ और हमें देखने वाले भी आप लोग ही हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मतलब वेल में। और दूसरे ये कह लो कि हमारे अलहमदिल्ला फैमिली बैकग्राउंड इस तरह के कि हमें अचीव सारा कुछ करना होता है, पर ये है कि अपने लिमिट्स में रह के अचीव करना होता है। कि और एक मैसेज भी है मेरे ये नज़दीक जो है ना, अगर कोई चेंजिंग लानी हो, किसी चीज़ को बदलना है, तो उसके लिए सबसे जो अहम रोल होता है वो मीडिया का होता है, जो कॉन्टेंट लोग देखते हैं। तो इस कॉन्टेंट के थ्रू मतलब कि हमने करके भी दिखाना था और एक अच्छे तरीके के साथ करके दिखाना था। और अगर हम ये बात जो है हमारे टेलीविजन वगैरह को भी समझ आ जाए, जो ड्रामा सीरियल्स होते हैं ये वो, अगर उसमें भी वो इस तरह के पॉजिटिव थोड़े से दिखाने लग जाए ना कल्चर, तो बहुत सारा कुछ चेंज हो जाएगा। और हम ये नहीं कह रहे कि जो बाकी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो हर एक हर का किसी का अपना 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 है रिव्यू होता है कि और बस हमारा अपना। ये अपना और है अच्छा पीस। एक दूसरी बात है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो है इनको वेल जो है या निकाब है जो, वो मैंने करवाया है, तो ये कोई करवाता नहीं होता, ना ही किसी को कहा जाता है। ये एक होता है कि आप हाँ समझा सकते हैं, अगर आपकी कोई बेटी है तो आप उन्हें समझाएं अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है ये शायद उनका एक डिसीजन होता है, उनकी तरबियत इस तरह ही की जाए तो वो खुद ही करते हैं, तो इनको मैंने नहीं कहा, ना ही मेरे हाँ फोर्स करने हमारे पे। पहले ही घर में मेरी हाँ मम्मा भी वेल अभी तक करती हैं और मेरी सिस्टर्स सारी वेल करती हैं, तो फिर मैं भी वेल करूँगी ये एक ऑब्वियसली। फैमिली का माहौल होता है, हाँ उससे बंदा सीखता है। आज से आपका नाम नोबिता रख दिया है मैंने। वाह वाह, ऐसे ही करता है। नहीं मैंने ऐसे वैसे करना है, डोरीमोन। वैसे मैंने इतने ये अच्छा आप कार्टून शिज़ुका देखे बोल के नहीं दिखाओ, है, शिज़ुका। अभी अच्छा बोल रहे हो। अच्छा वाओ, सिली सिली वाले का नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है जब आप लोग कहेंगे वैसे बीच बीच में हम आते लोग। रहते हैं वो भी, आप हाँ देखा करें ना, देखते नहीं हो ना आप, लोग देखते ना अच्छा आप वीडियो देखते लोग, कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं जो हमें, हम वीडियोस के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, कभी अगर रिप्लाई नहीं आता वो सेम सेम हो जाते हैं, लेकिन हम सबके कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं और उसमें हम ये कह रहे होते हैं आप लोग अपनी वॉइस में नहीं बनाते। यार एक बार प्रोफाइल जाके विजिट कर लिया करो, हमने हर तरह की वीडियो बनाई होती है, हमने सॉन्ग्स पर भी बनाई होती है, हमने अपनी वॉइस में भी बनाई होती है, हमने फनी कंटेंट भी बनाया होता है, हमने स्लोमोज भी बनाए होते हैं, तो आप बाकी। ये लोग। दूसरा ये होता है कि हर प्लेटफॉर्म का ना एक अलग कह लो कि स्ट्रक्चर है, उस पर एक अलग कंटेंट का तरीका होता है। अगर यूट्यूब वगैरह पर जाएंगे तो उधर वॉइस पे हमारी वीडियोस होती हैं, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। इस तरह जो टिकटॉक की रिक्वायरमेंट है ना, उस पर वॉइस वाली इतनी चलती नहीं है, तो इस वजह से प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो है इस तरह की वीडियोज ज्यादा इस पर डाली जाती है। बाकी हमारी वीडियोज हैं, वॉइस में भी हैं, हम बोल सकते हैं, गूंगे नहीं है। हाँ जो तो यह था, आप लोग, आप दोनों गूंगे हो ना, आंग गूंगे हैं हम। अच्छा आपने शादी के प्लान्स कैसे बनाए? यार हमारे पेरेंट्स ने बनाए थे। आप किस सिटी से हैं? ये हो गया माशाल्लाह, आप ही, आपका हिजाब के साथ इंतहाई आला कंटेंट है, बहुत खुशी होती है, अल्लाह पाक सलामत थैंक यू रखे। सो मच। भाई ब्रदर वाइफ आपकी आपसे एज में बड़ी है ना। हाँ जी मैं इनसे बड़ी हूँ, मैं पूरी 1 साल और 3 मंथ्स हो रही हूँ आपसे। 10 साल और 30 वैसे हाँ मैं इनसे 40 साल बड़ी आपस की बात है, तो इन चीजों को ज्यादा ना ध्यान भी ना दिया करें। ये तो खैर आप खुद ही बताएंगे, हमसे ये मुझसे बड़ी है ये छोटी है, पर हूँ। ये इन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दिया करें, कौन किससे हाँ बड़ा है वैसे कौन आप लोग किससे छोटा बताना, है। बताएं आप कि मैं इनसे बड़ी लगती हूँ कि छोटी लगती हूँ। वैसे एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ कि अक्सर लोग ये इस चीजों को बड़ा देखते हैं, अच्छा ये फलाने से उससे छोटी, मियाँ बीवी है यार, उनमें खुश रहो, अच्छी दुआ दो, बस बात खत्म हो गई। यार कोई ट्रिक ही बता दो, लड़की देखती भी रही है हमें।
अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा करता है कि कोई लड़की देखती नहीं है। मेरे जैसे लुक्स बना लो ना, यू नो, फिर बिल्कुल नहीं देखेगी। पप्पू बच्चा भाई, वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन, भाभी से टिकटॉक पर फेमस होने के लिए लड़कियां और बहुत तरीके आजमाती हैं माशाल्लाह, आपका हिजाब का आइडिया किसका था? यार ये हमने पहले बता दिया कि ये आइडिया उड़िया नहीं था, ये हम मतलब मैं शुरू से ही वेल करती थी और मैंने ऐसे ही आना था, ऑब्वियस सी बात है। कुछ नहीं, बस एक दुआ देना चाहूंगा, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, आमीन। हमें भी, आपको भी, बाकी सबको भी ये तो दुआ वैसे सबको हाँ। करनी चाहिए, हर किसी को हर टाइम हिदायत की जरूरत है, और आज के वक्त में तो खास तौर पे। सबसे हैवी क्वेश्चन के, आपकी शादी किस तरह हुई? हमारा मौलवी आए थे और कारी साहब ने आके हमारा इनसे पूछा था कि आप कबूल है, इन्होंने कहा मैंने कबूल किया और मुझे आगे कहा था, ये वाली स्टोरी आप कर इसमें। ये वैसे बड़ी मजे की स्टोरी है, आपने क्या याद करवा दिया ये। और फिर मुझसे आके पूछा उन्होंने, बल्कि मुझसे पहले पूछा फिर बल्कि मेरे वाली जो स्टोरी है ना, जो मेरी वो उस टाइम जो हुआ था उसकी, तो हम क्लिप भी आगे लगा देंगे बाद में जब आपको ये स्टोरी बताएंगे इनका। हाँ। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे जो भी छोटा सा बच्चा हमें नजर आता है ना, वो हम कहते हैं ये हमारा ही है, क्योंकि वो रिटर्नेबल होता है, उसके साथ थोड़ा सा प्यार प्यार करो और उसके बाद रिटर्न कर दो। अभी फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो फिर होगा ही कभी। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी अता करे, एंड कीप इट अप। आमीन, थैंक यू। खुशी कब सुना रहे यार, इतनी खुशियां सुनाते हैं, खुशी खुश हाँ, इतना अच्छा इतना अच्छा तो खुश हो जाए, देख के हंसते रहते हो हर वक्त। मैं आपको तो भाई अपनी अरूज मिल गई, मेरे लिए भी आप दोनों दुआ करें, मुझे भी मेरी अरूज मिल जाए। माइक नीचे रखो। हाँ ऐसे करो, अल्लाह पाक ने इनकी रोज मिला दे और ये उसका अच्छे से ख्याल रखें, और जो है ना सिर्फ रोज लेना ही काफी नहीं होता, उसके बाद उसको निभाना और वो सारा कुछ वो बहुत जरूरत है, आप उसका भी ना और अच्छे से निभा सकते हैं, तो अल्लाह पाक आपको जरूर मिला। आमीन। लोग हमें पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कौन सी दुआ है, इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं बैठ के। क्या आप फेमस इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट है या नहीं? मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, माशाल्लाह बेस्ट कपल, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बस जिले जिले पार्ट एंड ना करना, फिर नहीं करेंगे हम, एंड नहीं करेंगे। अब हम वैसे भी छोटा जिले जिले ले आए हैं ना, ताकि उससे बंदा बोर भी ना हो और वो भी जल्दी भी हो जाए। आप दोनों की एज क्या है? एज यार मेरी क्या है, मेरी ये 2023 मेरी 23 साल है। आप 23 साल के हो? हां, अभी 24 का हो जाऊंगा मैं अक्टूबर में। आपके नहीं ना बतानी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि आप बड़ी हो कि छोटी हो? वो इन्होंने एज डिफरेंस बता दिया ना, अब आप बताना क्या। कॉल माय नेम इन योर वीडियो, हैदर ज्ञानी। हैदर ज्ञानी भाई, थैंक यू सो मच, हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करने के लिए कहते रहे, इतना नेम काफी है भाई। पाकिस्तान टर्की है अभी पर्दा पटे तो फिर देखे कितने लाइक्स आते हैं यार, लाइक बेशक अभी एक भी लाइक आएगा ना, तो अभी हम जिन्हें लाइक तो, पहले भी ये बात कर चुका हूँ, जिन्हें लाइक फॉलोअर्स वगैरह की टेंशन होती है, वो इस तरह कंटेंट ही नहीं बनाते, तो हमें इस तरह कोई लालच नहीं है।